तो दोस्तों फाइनली Realme X3 हमारे पास आ गया है और हम आज इसके करेंगे अनबॉक्सिंग और मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में इसकी पूरी फुल स्पेसिफिकेशंस और इसके फीचर्स। इसी के अलावा मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा इसके अंदर गेम खेल के कि इसकी जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी वो कैसे हमें इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं, मैं हूं रोहित, आप देख रहे हैं टेक इन मिनट्स। फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको Realme X3 एक्चुअल में कैसा है। दोस्तों ये है मेरे पास Realme 3X का मोबाइल, जहां पर बीच में लिखा है सुपर जूम। पहले बात कर लेते हैं इसके बॉक्स की, जहां पर लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलती है Realme X3 सुपर जूम लिखा हुआ, ऊपर हमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। पीछे हम बात करते हैं इसके कुछ मेन हाइलाइट्स के बारे में, जो कि हमें इसके मेन हाइलाइट्स फोन में देखने को मिलेगी। नीचे दी गई है इसके कुछ डिटेल्स, जहां पर हमें 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। इसी के अलावा ये फोन है मेरे पास ग्लेशियर ब्लू कलर में। तो कर लेते हैं इसको फटाफट अनबॉक्स और देखते हैं इसके फीचर्स। तो दोस्तों बॉक्स ओपन करते ही हमें देखने को मिलता है सबसे पहले हमारा सिलिकॉन केस, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल स्मूथ मुझे देखने को मिल रहा है। कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। फिर हमारा फोन को हम साइड करते हैं, सिम ट्रे टूल इजेक्टर हमें देखने को मिलती है और लास्ट में हमें देखने को मिलता है हमारा टाइप सी केबल। तो अब बात करते हैं इसके चार्जर की, जो कि हमें Realme की तरफ से सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि सुपर 30 वोल्ट का चार्जर हमें मिलता है, जो हमारी बैटरी को कर देगा इंस्टेंट फास्ट चार्ज। जहां पर हमें इसकी बैटरी देखने को मिलती है 42 mAh की बैटरी। तो दोस्तों हम कर देते हैं इसको साइड। तो ये है Realme X3 मोबाइल मेरे हाथ में। तो दोस्तों मैं करता हूं इसके प्लास्टिक रैपर को अनवियर और मैं दिखाता हूँ इसके फर्स्ट लुक को कि एक फोन कैसा देखने को मिलेगा हमें। तो दोस्तों मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नए नए फोन की अनबॉक्सिंग लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं फोन के स्क्रीन की, जहां पर हमें 6.6 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 399 PPI पे वर्क करेगी। इसी के अलावा स्क्रीन हमें देखने को मिलेगी IPS डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज का सपोर्ट देती है, जिसकी टच सेंसिटिविटी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो हमें यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिलता है हमारा प्राइमरी माइक, बीच में हमें देखने को मिलता है टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए, और सबसे लास्ट में देखने को मिलता है हमें यहाँ पर स्पीकर ग्रिल। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्मूथनेस है और जो फिनिशिंग है वो बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग है, बहुत ही स्मूथ फील मुझे हो रहा है। राइट साइड की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर सिर्फ देखने को मिलता है पावर बटन विद फिंगरप्रिंट सेंसर। और दोस्तों ऊपर की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है, और लेफ्ट साइड की बात करें तो हमें यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल और वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं करता हूं इसके EMI नंबर को रिमूव और दिखाता हूं मैं आपको जो इसका फर्स्ट लुक है, जो इसका शाइनिंग जो हमें यहां पर फील हो रही है, क्या स्मूथनेस और क्या कितने कलर शाइनिंग हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो इसका टेक्सचर हमें देखने को मिल रहा है विद ब्रांडिंग, क्या परफेक्ट हमें इसके अंदर कितनी शेड्स देखने को मिल रही हैं। दोस्तों ये ग्लेशियर ब्लू कलर बहुत ही क्लासी और बहुत ही मॉडर्न लुक दे रहा है इस मोबाइल को। हमें यहाँ पर नीचे Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और ऊपर हमें यहाँ पर फ्लैश लाइट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर इसके अलावा लिखा हुआ है AI ड्यूअल कैमरा। तो दोस्तों बात करता हूँ इसके मेन कैमरा की, तो हमें यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें हमारा प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिलता है टेलीफोटो कैमरा, 8 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों इससे कर सकते हैं हमारी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि 1080p पे वर्क करेगा। तो ये है Realme X3 सुपर जूम मोबाइल, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का जो मोबाइल हमें Realme की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, जहां पर हमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस का हमें इस प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 7nm से बना हुआ है। इसी के अलावा ये एंड्रॉइड 10 Realme UI पर बेस्ड है, और इसी के अलावा ग्राफिक्स की बात की जाए तो 640 एड्रिनो का हमें इसके अंदर ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कर लेते हैं इसको बूट अप और कर लेते हैं इस पूरे फोन को सेट और कर देते हैं इस फोन को रेडी टू यूज। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको जल्दी से, इसकी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट, और मैं चलता हूँ फटाफट फोन के अंदर और फिर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस हमें जो देखने को मिलने वाली है, क्या इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये हो गया है हमारे पास बूट अप, इसी का ये हमें फर्स्ट लुक देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 855 पर ये बेस्ड है। तो दोस्तों ये फोन बहुत ही फास्ट होने वाला है, मैं फटाफट दिखा देता हूँ इसकी सारी की सारी इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है A to Z मैं बताने वाला हूँ। अब इसकी जो बेजल लेस डिस्प्ले जो हमें देखने को मिल रही है, बिल्कुल जो बिल्कुल स्मूथ जो हमें टेक्सचर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल बेजल लेस, इसके अंदर बिल्कुल जो है ना स्क्रीन बिल्कुल टच तक लास्ट तक गई हुई है,
और सामने हमें ड्यूअल पंच होल कैमरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की। जहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो हम आप देख ही पा रहे होंगे कि ये फिंगरप्रिंट कितनी रिस्पॉन्सिव वर्क कर रही है। इसी के अलावा हम टच करते के साथ हम फोन के अंदर चले जाते हैं, हमें कोई भी दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर हम फोन के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, फ्रंट कैमरा अनलॉक की। तो ये देखिए दोस्तों, आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि एक सेकंड के अंदर हम फोन के अंदर चले जाते हैं। तो गाइज इसके लॉन्च इवेंट की बात कर लेता हूं, तो ये हमें 25 जून या 26 जून को हमें ये इंडिया में लॉन्च होने को मिल जाएगा, उसके बाद हम इस फोन को परचेज कर पाएंगे। दोस्तों ये फोन बहुत ही स्मूथ और फास्ट होने वाला है। तो गाइज मैं कर लेता हूँ इस फोन के अंदर अंतुतु ऑन, और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर लाइव इसकी जो परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो दोस्तों यहीं पर आप देख रहे होंगे कि हमें यहाँ पर जो इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, 5,05,361 हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये फोन बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्मूथ होने वाला है। इसी के अलावा दोस्तों मैं इसके अंदर ओपन करता हूँ हमारा पबजी और दिखाता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर पबजी के हमारे जो ग्राफिक कार्ड जो हमें इसके अंदर दिया हुआ है 640 एड्रिनो, वो कैसा इसके अंदर वर्क करता है। और दोस्तों मैं करता हूँ इसके अंदर पबजी की हैवी वाली सेटिंग्स ऑन ग्राफिक्स की। तो हमें यहाँ पर HDR के साथ हमें एक्सट्रीम देखने को भी मिल जाता है। दोस्तों और फोनों में यहाँ पर अल्ट्रा तक ही जाता है, लेकिन इसमें हम एक्सट्रीम पे हम इसको देख सकते हैं, एक्सट्रीम पे हम इस पबजी को चला सकते हैं। दोस्तों सेटिंग ऑन करने के बाद हम चलते हैं हम फटाफट गेम के अंदर, और देखो आप खुद देख पा रहे होंगे बिल्कुल लैग नहीं कर पा रहा है। गेम ऑन होते के साथ मोस्टली फोन लैग करते हैं, लेकिन ये फोन कहीं से भी हमें लैग होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आप खुद ही फील कर पा रहे होंगे कि इस फोन की जो 120Hz की जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है वो कितनी स्मूथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, कि लैग होने का इसके अंदर कोई चांस है ही नहीं। बहुत ही सुपर फास्ट, जैसे जिसका कैमरा सुपर जूम, जिसकी परफॉर्मेंस है वो भी सुपर फास्ट है। तो गाइज अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो हमें यहाँ पर कैमरा की डिफरेंट सेटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसी के अंदर हमें यहाँ पर 60x जूम भी हमें एक्स्ट्रा इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। जहाँ पर मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ कि ये क्या, इसके अंदर जो जूम करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो 60x तक चली जाती है। इसी के अलावा यहाँ पर मैं आपको कुछ फोटो वगैरह क्लिक करके इसके अंदर दिखा दूंगा कि इसकी सैम्पलिंग वगैरह कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका कैमरे की जो क्वालिटी जो हमें देखने को मिलती है ना, जो इसकी पिक्सल क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, मुझे तो बहुत ही स्मूथ देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों आप बताना कि आपको ये फोन जब आएगा तो ये आपको कैसा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में जाके हम सेट कर लेते हैं इसकी 4K वीडियो के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी 4K वीडियो दिखा देता हूँ कि इसकी जो हम के अंदर कैमरे से हम 4K वीडियो जो शूट करने वाले हैं वो कैसी परफेक्ट होने वाली है। तो दोस्तों इसी के अलावा देखते हैं इसी के अंदर और इसके कुछ फीचर्स। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसके फीचर्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल है, एक्सट्रीम जूम करने का अलग से कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों यहीं पर मैं दिखा देता हूँ आपको इसके जो फीचर्स हैं, जो 10x 20x 30x 60x तक जो ये चला जाता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हमें नॉर्मल देखने को मिल रहा है, मैं इसे करता हूँ हल्का सा जूम और मैं दिखाता हूँ आपको इसको 2x पे, तो एक घर जो हमें दिख रहा है ये थोड़ा सा पास आ जाता है। इसी के अलावा ये है 5x पे, इसको मैंने 5x इसको जूम किया। इसी के बाद मैं इसको जूम करता हूँ 10x पे, तो ये घर हमें 10x पे भी इतना क्लियर देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों मैंने किया इसको 20x जूम, तो दोस्तों ये अभी तक ये बिल्कुल हमें थोड़ा क्लियर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये फाइनली हमारा 60x जूम करने के बाद ये हमें इसका देखने को मिलता है कि इसका कैमरा अभी भी स्टिल कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ नाइट मोड, इसका जो नाइट मोड जो कितना परफेक्ट वर्क इसमें करता है। तो मैं इसे करता हूँ जूम, जो कि नॉर्मल नॉइस, थोड़ा सा इसके अंदर नॉइस देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों रात का जो है उसमें थोड़ी नॉइस आ जाती है। यहाँ पर किया इसको मैंने 2x जूम, तो इसी के बाद इसको मैं करता हूँ 5x जूम, तो दोस्तों ये अभी भी थोड़ा क्लियर देखने को हमें दिख जाता है। 10x जूम में भी नाइट मोड जो है बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है, थोड़ी नॉइस हमें देखने को मिलती है, और 60x में कुछ ज्यादा नॉइस आ जाती है, तो फिर भी हमें स्टिल ये थोड़ा बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों हमें ये इंडिया में 25 जून को ये हमें देखने को मिल जाएगा, और इसकी प्राइस होने वाली है 16,999 के आसपास, जहां तक इसके रूमर्स हैं। तो ये 16,999 में इंडिया में रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये है रियलमी की तरफ से रियलमी X3 सुपर जूम, जो कि एक फ्लैगशिप कैटेगरी को एक ये बिल्कुल प्रेफर करता है। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है रियलमी X3 की अनबॉक्सिंग की, तो प्लीज इस वीडियो को कीजिए लाइक, कीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे ही नए फोन की जो अनबॉक्सिंग अगर आपको देखनी है तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली अनबॉक्सिंग में।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।